हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 7, कार्य ऊर्जा और शक्ति का। और आज हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के बारे में, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले हम समझेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण को समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। सो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, तो सबसे पहले जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो अभी तक हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, यानी जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ अभी तक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा को समझ चुके हैं। सो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम को हम मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ओके, सो क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, इसे ही हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। इसको हम डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि किसी बल एफ के लिए जो फॉर्मूला होता है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर होता है वर्क डन के, टोटल वर्क डन के, जिसे हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स डेल एक्स होता है। ओके, इसी तरह से हम ये जानते हैं कि संरक्षी बल के लिए स्थितिज ऊर्जा फलन, दैट इज वी एक्स, वो बराबर होता है एफ एक्स डेल एक्स के, माइनस डेल वी बराबर होता है एफ एक्स डेल एक्स के। अगर आप इसको फर्स्ट समीकरण मान लें और इसको सेकंड समीकरण मान लें, तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? आप इतने इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कीजिए, बराबर कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर एफ एक्स डेल एक्स और एफ एक्स डेल एक्स जो है एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर साइन माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाता है कि डेल के प्लस डेल वी बराबर होता है 0 के। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि डेल ब्रैकेट में के प्लस बी बराबर 0। इसे ही हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। के प्लस बी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है वो बराबर 0 होता है। इसका मतलब हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। ओके, इसको हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा पथ जो है वो एक्स आई से एक्स फाइनल के लिए, एक रेंज हमारे पास अगर है दूरी, तो वो हम लिख सकते हैं कि के इनिशियल प्लस वी एक्स आई बराबर होता है के फाइनल, वी फाइनल के बराबर। ओके, तो इस तरह से हमने समझा यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से पहले आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब हमारा ये होता है कि मान लो एक वाहन है, जब वो ऊंचाई पर चढ़ता है तो कुछ एनर्जी इन करता है, और यहाँ पर आके उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो ढलान से नीचे उतरेगा तो उसकी एनर्जी आउट हो जाती है। यानी कि टोटल एनर्जी इन बराबर हो जाता है एनर्जी आउट के। इसे भी आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। अब यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म समझना जरूरी है, और वो है संरक्षी बल। कि संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य केवल सिरे के बिंदुओं पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हमारे पास ये कोई पिंड है। ओके, ये पिंड जो है उसको आपने एक इनिशियल पॉइंट था और एक फाइनल पॉइंट था, इस बिंदु तक लेके जाना है। इसको आपने इस बिंदु से इस बिंदु तक लेके जाना है, तो हो सकता है कि आप कुछ इस तरह से इसको यहाँ तक लेके जाए। वही दूसरा इंसान होगा, हो सकता है कि दूसरा जो इंसान होगा इसी पॉइंट को कुछ इस तरह से लेके जाए। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन संरक्षी बल के केस में कि कार्य किस पाथ का अनुसरण करते हुए किया गया उस पर निर्भर नहीं करता है। ये सिर्फ निर्भर करता है इसके सिरों के दो अंतिम बिंदुओं पर, वो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों पर ही निर्भर करता है। कौन? संरक्षी बल। उसे ही हम संरक्षी बल कहते हैं। ओके, दूसरा ये होता है कंडीशन कि इस बल के द्वारा एक बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। ओके, अगर हमारे पास कोई बंद पाथ है तो उस समय इस संरक्षी बल के द्वारा किया गया जो कार्य हो जाएगा वो होता है शून्य। ठीक है, तो आपको दो कंडीशन याद रखनी है संरक्षी बल के लिए। पहली कंडीशन है कि इसके द्वारा किया गया कार्य सिरे के बिंदुओं पर निर्भर करता है, और दूसरा पॉइंट है कि इसके द्वारा एक बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये दो कंडीशन होती है संरक्षी बल के लिए। चलिए अब हम समझते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार
किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। अचर मतलब कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट का मतलब आप जीरो भी कह सकते हैं, ये कांस्टेंट रहती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, यदि उस निकाय पर किया गया कार्य करने वाला जो बल होगा वो संरक्षी होगा। ओके, इसका मतलब ये होगा कि कोई निकाय है, उस निकाय की टोटल काइनेटिक, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो अचर रहती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी कि इस पिंड पर जो कार्य करने वाला बल होगा वो बल संरक्षी बल होना चाहिए। संरक्षी बल के लिए हम गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, एक स्प्रिंग फोर्स होता है, ये सभी संरक्षी बल के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अलावा भी और सारे संरक्षी बल होते हैं, लेकिन अगर हम दो बल की बात करें तो एक गुरुत्वाकर्षण बल, एक स्प्रिंग बल है, जिसको हम एग्जाम्पल में अभी समझेंगे भी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, कि इस निकाय की एक यांत्रिक ऊर्जा जो होगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा, वो अचर रहती है यदि उस पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो संरक्षी बल होगा। ऐसा कैसे होता है, उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट, हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण से। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, देखिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम का हम ये भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो जो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी निकाय की, जिस पर किया गया कार्य जो होगा, कार्य करने वाला जो बल होगा वो संरक्षी बल होगा, उसका जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी की। ओके, यानी जितनी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, जितनी संग्रहित ऊर्जा होगी, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी गतिज ऊर्जा में जब वो मोशन में आ जाएगा। इसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए समझते हैं। तो हमें कंडीशन लेनी है, वो कंडीशन है कि कैपिटल एच ऊंचाएगी किसी चट्टान से। ओके, ये हमारे पास एक चट्टान है जिसकी ऊंचाई क्या है, कैपिटल एच है। एम द्रव्यमान की गेन की स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हमें देखने वाले हैं। हमें देखेंगे कि ये चट्टान होगी जिसके ऊपर ये गेंद रखी होगी। ओके, ये गेंद कितनी हाइट पर रखी है, कैपिटल एच हाइट पर ये गेंद रखी गई है। जब ये गेंद यहाँ से गिरेगी नीचे, तो हमें देखेंगे कि यहाँ पर इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये नीचे गिरेगी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में चेंज हो चुकी होगी। ओके, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको ये समझना है कि जब जब ये यहाँ पर होगी तो उस समय उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज जीरो, सॉरी एनर्जी नहीं, उसकी जो चाल होगी वो जीरो होगी। यहाँ पर हमें वी एच देखेंगे, स्मॉल एच, तो यहाँ पे हम वी फाइनल को देखने वाले। चलिए समझते हैं, पहले हमें समझेंगे। देखिए जब ये गेंद यहाँ ऊपर रखी होगी चट्टान के ऊपर, तो उस समय जो उसकी एनर्जी होगी, जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा होगी, जिसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को, वो ई जीरो होगी। ओके, जब वो बीच में पहुंचेगी, यानी वो बीच वाली स्थिति में जब होगी कौन गेंद, तब उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी ई स्मॉल एच। और जब वो गेंद नीचे पहुंच चुकी होगी जमीन पर, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी ई कैपिटल एच, क्योंकि वो पूरी कैपिटल एच की ऊंचाई से नीचे पहुंच चुकी है। तो हम इन तीनों को अलग अलग यहाँ पे निकालने वाले हैं, इसको यांत्रिक ऊर्जा को। पहले अगर हम देखें ई कैपिटल एच पर, ई कैपिटल एच मतलब होता है कि इसके हाइट पर, आई एम सॉरी, ई जो है वो कैपिटल एच, ई कैपिटल एच मतलब हुआ कि इसकी पूरी हाइट पर, क्योंकि इस यहाँ पर जब बॉल थी, इसकी ऊंचाई पर जब बॉल थी, तब उस पर क्या थी, एक पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, उस पर क्या थी, एक पोटेंशियल एनर्जी थी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होती है एम स्मॉल जी कैपिटल एच। ये हम जानते हैं एम जी कैपिटल एच क्यों लिखा गया है, क्योंकि कैपिटल एच की ऊंचाई पर जो है वो गेंद रखी गई है। उसके बाद हम निकालेंगे ई स्मॉल एच। ई स्मॉल एच मतलब है जब वो बीच वाले बिंदु पर है, इस बीच वाले बिंदु पर जब है वो, उस समय हम निकालेंगे ई स्मॉल एच। उस समय उसके अंदर थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी होगी, साथ ही साथ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है हाफ एम बी एच स्क्वायर, दैट इज स्मॉल एच। और ई जीरो मतलब होगा जब वो नीचे पहुंच चुकी होगी तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, जिसको हम कहते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने समझ लिया है कि किस किस तरह से उसकी एनर्जी जो है चेंज हो जाएगी। हमें कुछ कंडीशन लेनी है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होगी कि ई कैपिटल एच जो है बराबर ले लेंगे हम ई स्मॉल एच के। हमें लेने वाले हैं कि जो हाइट पर जो उसकी एनर्जी होगी वो मान लेते हैं बराबर है नीचे वाली एनर्जी के। ओके,
अगर हम ऐसा मानेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, उसको इक्वेट कर देंगे हम जो भी इसके पास था, इस तरह से हम इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट इज वी फाइनल बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh कैपिटल H। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये जो समझ में आएगा कि ये और कुछ नहीं बल्कि गति की समीकरण है, दैट इज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह की फॉर्म में जो है ये इक्वेशन लिखी गई है। इसको अगर आप जीरो रख दे, इसको अगर आप जीरो रख दे तो आपके पास यही जो है ये जो फॉर्मूला है इस तरह से आपको यहाँ पे इक्वेट आप कर सकते हैं कि गति के समीकरण ही है। ओके, सेकंड कंडीशन हम ये लेंगे अब कि मान लेते हैं कि ई कैपिटल एच बराबर है स्मॉल एच के। उसके बाद अगर आप इसको डिनोट, अगर आप इसकी वैल्यू के हमें पुट अप करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बी स्मॉल एच का स्क्वायर बराबर टू जी कैपिटल एच माइनस एच स्मॉल एच। अगेन जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो इक्वेशन गति के समीकरण की सेकेंड इक्वेशन को बता रही है। सो फर्स्ट अभी जो हमने निकाला था उससे, और जो सेकेंड है कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन से जो हमने कंक्लूजन निकाला है उस कंक्लूजन से हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं कि कैपिटल एच ऊंचाई पर पिंड की जो ऊर्जा थी वो केवल स्थितिज ऊर्जा है। ओके, जो पिंड था वो जो हाइट, यहाँ पर जो उसकी हाइट थी यहाँ पर उसके अंदर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब वो स्मॉल एच वाली ऊंचाई पहुंचता है तो आंशिक रूप से उसकी एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि यहाँ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी लेकिन थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जब वो भूमि तल पर पहुंचेगा नीचे तो उसकी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये रिजल्ट हमने यहाँ से डिराइव किया है इस एग्जाम्पल से। तो आपको ये समझना होगा कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। इसी को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू हमने क्या जाना। हमने देखा कि यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है स्थित ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि के इनिशियल प्लस वी इनिशियल बराबर होता है के फाइनल प्लस वी फाइनल। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने जाना। इसके अलावा हमने देखा कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। सो आवश्यक शर्तें ये थी कि हमें पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं उदाहरण 5.7 को, और हम देखेंगे किसी स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा किस तरह की होती है। सो तब तक के लिए थैंक यू।